राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के डॉक्टर के एस राजन्ना को पद्मश्री से सम्मानित किया। यह सम्मान डॉक्टर राजन्ना के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि उन्हें यह सम्मान मिलने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ भावुक पल साझा करने का अवसर मिला था। इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। डॉक्टर राजन्ना कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाले हैं। उनका जीवन संघर्ष से भरा रहा। महज 11 महीने की उम्र में ही उन्हें पोलियो हो गया था, जिसके कारण उन्होंने अपने हाथ और पैर दोनों खो दिए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और घुटनों के बल चलना सीख लिया। अपनी दिव्यांगता को देखते हुए उन्होंने दूसरों के लिए प्रेरणा बनने का फैसला किया। उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दिव्यांग लोगों के लिए काम करना शुरू किया। अपनी मेहनत के दम पे साल 2013 में वे कमिश्नर बने। हालांकि उनका कार्यकाल केवल 3 साल का ही रहा, उन्हें बिना किसी सूचना के पद से हटा दिया गया था। सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध हुआ और डॉक्टर राजन्ना को वापस पद पर बहाल कर दिया गया। गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में जब डॉक्टर राजन्ना का नाम पद्मश्री के लिए पुकारा गया तो पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। डॉक्टर राजन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्मश्री प्राप्त करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने डॉक्टर राजन्ना का हाथ थामा और उनसे कुछ बातें की। डॉक्टर राजन्ना अपनी दिव्यांगता के बावजूद भी जीवन में सफलता हासिल करने और दूसरों के लिए प्रेरणा बनने की एक जीवंत मिसाल है। पद्मश्री से सम्मानित होना उनके प्रयासों और समाज के प्रति समर्पण का सम्मान है।